जय हिंद स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत अकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है आपका टैगवर्ड ठीक है ना? जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो अगर हम बात करें पर्टिकुलर सी एग्ज़ाम की सी एग्जाम में लगभग और लगभग मैं बता दूँ तो पचास से भी ज़्यादा पैडागोजिकल पार्ट पूछा जाता है अगर हम सारे सब्जेक्ट को मिला ले आपके सीडीपी की बात कर ले आपके अदर जो सब्जेक्ट पैडागोजी आती है बीस बीस क्वेश्चन वो उसकी बात कर ले लैंग्वेज की बात कर ले हर जगह जो है आपसे पैडागोजिकल पार्ट पूछा जाता है तो देखिए पैडागोजी को सॉल्व करना कोई मतलब बहुत बड़ी थ्योरी नहीं होती है इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको अगर आप पकड़ के चलोगे ना तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो ठीक है ना अब उन्हीं को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है उन्हें एक वर्ड एक नाम दे दिया है टैग वर्ड ठीक है ना उनको हमने अपने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड ठीक है तो देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड क्वेश्चन देखो जब जो सीटेड क्वेश्चन पूछता है वो दो तरीके से पूछता है एक तो पॉजिटिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है हो तो, तो वहाँ पे हमें अपने चारों ऑप्शन में पॉजिटिव ये जो टैग वर्ड है उनको पकड़ना होता है ठीक है ना एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नेगेटिव फॉर्म में पूछेगा कि कौन सी चीज़ इसमें अप्लाई नहीं होगी उस कंडीशन में आपको नेगेटिव टैग वर्ड की तरफ ध्यान देना होता है नेगेटिव टैग वर्ड को अपना आंसर सेलेक्ट करना होता है अभी हम आपको सारे टैग वर्ड डिस्कस करेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसकी बात करेंगे ठीक है तो चलिए आज की क्लास को हम अपना आगे बढ़ाते हैं और चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरीके से हम लोग अपनी स्टडी आगे बढ़ाते हैं ठीक है तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले नेगेटिव टैगवर्ड नेगेटिव टैगवर्ड आपके अगर क्वेश्चंस में कहीं पे भी केवल वर्ड लिख दे मात्र लिख दे सिर्फ लिख दे ओनली वर्ड जैसा कुछ भी अगर इस्तेमाल करता है तो इसे क्या किया जाता है नेगेटिव लिया जाता है ठीक है ना अगर मैं पूछ लूँ कि मान लो कोई बच्चा है उसके सीखने की मैं अगर विधियों की बात करूँ और वहाँ पे ऑप्शन दे दूँ कि केवल और केवल रिया, याद करने ही विधियाँ हैं जो जिससे बच्चा सीख सकता है तो केवल वर्ड आ गया तो उसको देखते ही आप आंसर को नेगेटिव कर दोगे ठीक है कट कर दोगे ठीक है तो ये आपके नेगेटिव टैग वर्ड में आ जाता है दूसरा आपका नेगेटिव टैगवर्ड क्या आ जाता है रटना याद करना कंठस्थ करने जैसा या रोट लर्निंग ऐसा वर्ड कहीं पे भी अगर आपको देखने को मिल जाए तो उस आंसर को तुरंत कट कर देना जब आपसे क्वेश्चन पॉजिटिव फॉर्म में पूछा जाए ठीक है ना ये ध्यान देना जब आपसे क्वेश्चन पॉजिटिव के फॉर्म में पूछता है तो आपको पॉजिटिव टैगवर्ड वाले आंसर पकड़ने होते हैं और नेगेटिव फॉर्म में पूछता है तो नेगेटिव टैगवर्ड वाले आंसर्स पकड़ने होते हैं ठीक है ना तो ये समझ गए आप लोगों को पता होगा कि रटने की अगर मैं कह दूं कि बच्चे को रटवाने के लिए एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है तो ये सारे के सारे आपके कैसे वर्ड आते हैं नेगेटिव आते हैं ठीक है ना अच्छा तीसरे अगर हम नेगेटिव टैग वर्ड की बात करें कहीं पे भी आपको ऑप्शन में लिखा हुआ मिल जाए दंड सजा समस्या बोझ पनिशमेंट बर्डन ऐसे अगर वर्ड आ जाते हैं तो ये नेगेटिव के तौर पे लिए जाते हैं ठीक है ना तो ऐसे ऑप्शंस को देख करके तुरंत आपको नेग्लेक्ट कर देना है जब आपका क्वेश्चन पॉजिटिव फॉर्म में पूछा जाए ठीक है तो ये आप समझ गए अगर हमें मैं यहीं से कुछ रिलेट करके पॉजिटिव वर्ड की बात करूं कहीं पे भी अगर आपको पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा जाए और आपके ऑप्शन में सर्विंग सर्वांगीण विकास जैसी आ जाए ऑल ओवर डेवलपमेंट जैसे वर्ड देखने को मिल जाए तो ये पूरी तरीके से आपके पॉजिटिव होते हैं ये आपको अपने सेलेक्ट कर लेना है आंसर में ठीक है अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट कहीं पे भी अगर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि बच्चे को करके सीखने का मौका देना चाहिए ठीक है ना तो ऐसे ऑप्शन को आपको 100 परसेंट आंसर सही करना है अगर क्वेश्चन आपका पॉजिटिव पूछ रहा है तो ठीक है करके सीखने लर्निंग बाय डूइंग की बात हो जाए हस्तपरक अनुभव की बात हो जाए तो ये सारे के सारे कैसे टैग वर्ड होते हैं आपके पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं ठीक है अगर हम और कुछ पॉजिटिव वर्ड की बात करें जैसे सम्मान लगाओ प्रोत्साहन जैसे देखिए प्रोत्साहन से बहुत सारा क्वेश्चन सीटेड पूछता है किसी भी क्वेश्चन को मान लो अगर आपसे देता है कि आप एक शिक्षक हैं और बच्चे को आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो आप किस तरीके की ले आप क्लासरूम में क्या करेंगे अगर आपको ऑप्शन आ जाता है कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए या अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेंगे तो इसे आपको पॉजिटिव फॉर्म में लेना है ठीक है ना चलो तो ये आ गया तो ये पॉजिटिव आपको समझ आ गया अच्छा कहीं पे भी अगर आ जाता है आपको जिज्ञासा क्यूरियोसिटी की बात आ जाती है तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉजिटिव टैग वर्ड के फॉर्म में यहां से आपको साइंस में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्योंकि साइंस जो होती है एक जिज्ञासु प्रवृत्ति की सब्जेक्ट होती है इसमें बच्चा तभी सीखता है जब उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है ठीक है ना तो ये याद रखना एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है अच्छा इतने समझ गए अब हम आ जाते हैं थोड़े कुछ और नेगेटिव टैग वर्ड पे ठीक है ना एक एक पेज को इसी तरीके से हम सीखते चलते हैं इन सारे वर्ड को आपको ना नोट कर लेना है ठीक है ताकि आपको एग्जाम में याद रहे अच्छा यहां पे देखिए कभी भी अगर किसी भी ऑप्शन में हतोत्साहित बच्चे को हतोत्साहित करने की बात कर दे डिस्करेज करने की बात कर दे तो वो ऑप्शन आपका कैसा हो जाता है नेगेटिव हो जाता है ठीक है ना वेरी गुड अच्छा अब वहीं कहीं निष्क्रिय करने की बात कर दे ठीक है ना निष्क्रिय वर्ड आ जाता है तो वो भी नेगेटिव के तौर पे लिया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट ये आ जाता है ये वाला ग्रेड की देखिए अगर कहीं पे कह दिया जाए कि बच्चे मैथ पढ़ते हैं क्यों पढ़ते हैं तो एग्जाम में पास होने के लिए ग्रेड पाने के लिए अच्छे अंक पाने के लिए ये सारे नेगेटिव तौर पे लिए जाते हैं ठीक है ना तो ये तुरंत आप ऑप्शन कट कर दोगे ठीक है तो कहीं पे भी आपको ग्रेड लिखा मिल जाए व्यवसायिक के लिए ब, अग, मिल जाए रोजगार के लिए ये सारे वर्ड जो होते हैं नेगेटिव लिए जाते हैं सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है ग्रेडिंग सिस्टम पे ग्रेडिंग सिस्टम को बिल्कुल इसको ग्रेड देना मार्क्स देना प्रोत्साह प्रोत्साहन वर्ड तो सही है ये सारे नेगेटिव आ जाते हैं ठीक है ना अच्छा यहाँ तक आप समझ गए ग्रेड की बात होगी अच्छा कहीं पे भी आपको वैज्ञानिक शब्दावली व्याकरण की बात आ जाए देखो व्याकरण वगैरह क्या होता है ना एक ढर्रे पे सिखाने की बात हो जाती है इसमें बच्चा क्या करता है बच्चे को क्या किया जाता है कि एक रूल्स कहीं पे भी आपको फार्मूला रटवाने की बात आ जाए फार्मूले की बात आ जाए ये सारे आपके नेगेटिव वर्ड होते हैं व्याकरण क्यों होता है क्योंकि बच्चे को यहाँ ना कुछ एक्सप्लोर करने को नहीं मिलता है बच्चा एक समराइज वे में जो फिक्स पैटर्न होता है उस पर काम करने लग जाता है एक नियम पे तो ये नेगेटिव तौर पर लिया जाता है तो ये टैग वर्ड भी आपका क्या हो जाता है नेगेटिव आ जाता है ठीक है ना देखो वैज्ञानिक शब्दावली कहे तो भी नेगेटिव आ जाता है अगर यहां पे व्यवहारिक शब्दावली कहता तो वो पॉजिटिव हो जाता आपका ठीक है ना अच्छा ये हमने नेगेटिव देख लिए इधर हम देख लेते हैं पॉजिटिव टैगवर्ड जैसे कहीं पे इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर दे सम यानी कि समावेशी शिक्षा तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है क्योंकि समावेशी शिक्षा आपको पता है एक ऐसा शिक्षा विधि होती है शिक्षक शिक्षा, शिक्षा प्रणाली होती है जिसमें हर तरह के बच्चे को सेम एक जैसा इन्वायरमेंट में पढ़ाया जाता है ठीक है ना चाहे वो विकलांग हो सॉरी दिव्यांग हो या फिर देखने में बाध्य दे हो कम बुद्धि वाला हो अधिक बुद्धि वाला हो बहुत ज्यादा तेज हो कैसे भी बच्चों सबको एक साथ तो ऐसे वर्ड को आपको पॉजिटिव में लेना है ठीक है ना अगर कहीं पे भी आपको उपकरणों का इस्तेमाल करके पढ़ाने की बात आ जाए जैसे दृश्य द्रिश, सामग्री हो जाए श्रव्य सामग्री हो जाए इन सब को भी आपको पॉजिटिव तौर पे लेना है ठीक है ना और कहीं पे संसाधन यानी रिसोर्सेज की बात कर दे तो ये भी आपको क्या लेना है पॉजिटिव टैग वर्ड के फॉर्म में लेना होता है ठीक है यहाँ तक समझ गए अच्छा अगर यहां पे आ जाए विभिन्न विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग ये देखिए भाषा का इस्तेमाल भी अगर आपसे कहता है कि बच्चा अपनी मातृभाषा में कोई चीज़ सीखना चाहता है तो वो पॉजिटिव में आ जाता है क्योंकि बच्चा जो है अपना जो बचपन से भाषा सीख रहा है घर में जो बातचीत कर रहा है अगर वो इस्तेमाल करता है तो उसको भी क्या टैगवर्ड लिया जाता है आपका पॉजिटिव में लिया जाता है ठीक है ना अच्छा आगे क्या कह रहा है विभिन्न विधि विविध गतिविधियाँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एक तरह से करके सीखने या एक्सपेरिमेंटल चीज़ में आ जाता है कहीं पे भी अगर कह दे बच्चा गतिविधि करके सीख रहा है ठीक है ना पॉजिटिव टैग वर्ड होता है वो और अलग अलग विधियों से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो वो भी पॉजिटिव में आप लोगे ठीक है ना तो इतने पॉजिटिव टैग वर्ड समझ गए देखिए एक एक टैग वर्ड को आपको एक बार फिर से पढ़ लेना है ताकि आपको ये टैगवर्ड्स याद रहे और क्वेश्चन देखते ही आप आंसर कर पाओगे ठीक है ना बाकी क्लासेज आप अगर रोज देखते होंगे तो आपको पता है मैं उसमें बहुत ज़्यादा टैगवर्ड्स का इस्तेमाल करता हूँ चलो आगे कुछ नेगेटिव टैग वर्ड जैसे अगर कहीं पे आपको कह दे लिमिटेड सीट है मतलब लिमिट की बात कर दे कि केवल इतना ही सीख सकता है बच्चा ये इससे अधिक नहीं सीख सकता इस तरह के सीमित वर्ड अगर कहीं देखने को मिल जाए तो आपको क्या करना है ऑप्शन को कट कर देना है कब जब क्वेश्चन पॉजिटिव फॉर्म में पूछा जाए और नेगेटिव फॉर्म में पूछा जाए तो इन्हें ढूंढ करके आंसर करना होता है ठीक है अच्छा कभी भी देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला नेगेटिव टैग वर्ड है ठीक है ना क्या कि कोई भी शिक्षा पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए यानी कि बुक स्टैंडर्ड के बुक से हिसाब से नहीं होनी चाहिए शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए शिक्षक ऐसी होनी चाहिए बाल केंद्रित होनी चाहिए बाल केंद्रित को आप पॉजिटिव मानोगे चाइल्ड सेंटर्ड को ठीक है ना स्टूडेंट मतलब टीचर अध्यापक केंद्रित कहीं भी लिखा आता है तो वो आप नेगेटिव तौर पर लोगे ठीक है यहां तक समझ गए कहीं पे भी अगर आपको मानकीकृत आ जाता है मतलब फिक्स पैटर्न की बात आ जाए तो वो भी आपका नेगेटिव वाले में आता है ठीक है तो यहां आप चाहे तो लिख लीजिए मानकीकृत मानकी कृत ठीक है ना मानक पे बेस अगर कोई चीज़ पढ़ाया जा रहा है तो वो नेगेटिव टैग वर्ड होता है ठीक है ना अच्छा कहीं पे अगर कोई ये बोल दे कि बच्चा जो होता है खाली स्लेट मतलब खा कोरा कागज होता है यहाँ पे ये भी वर्ड आ जाता है कोरा कागज कोरा कागज तो ये नेगेटिव तौर पे लिया जाता है क्यों क्योंकि देखिए जो बच्चा होता है ना वो पहले से कुछ ना कुछ अपने अंदर ज्ञान ले करके स्कूल में एंटर करता है आप कभी ये नहीं कह सकते कि बच्चा एक खसादा पेज है आप उस पर जो चाहो लिख दो नहीं बच्चा ऑलरेडी बहुत कुछ जान रहा होता है ठीक है ना तो इसलिए कभी भी आपको लिखा आ जाए कि बच्चा जो है खाली स्लेट या कोरा कागज है तो आपको इसको गलत काट देना है ठीक है ना ये समझ गए अच्छा एक नेगेटिव टैग वर्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है लैंगिक असमानता जेंडर इनिक्वलिटी से बार बार पूछा जाता है कभी भी अगर आपसे ये कह दे कि ये काम बच्चा कर लड़का कर सकता है या ये वाला काम केवल लड़की कर सकती है तो आपको ऐसे ऑप्शन को कट कर देना है अगर क्वेश्चन पॉजिटिव फॉर्म में पूछा जा रहा है ठीक है क्यों क्योंकि कोई भी शिक्षा प्रणाली लैंगिक बाध्यता को बढ़ावा नहीं देती है ठीक है लैंगिक असमानता को लैंगिक शिक्षा प्रणाली का ये कहना है कि बच्चा चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है किसी भी समय पे कुछ भी सीख सकता है पढ़ सकता है ठीक है ना तो इसलिए आपको इसे एज ए नेगेटिव टैगवर्ड लेना है ठीक है ना अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं त्रुटियों पर महत्व ना देना यहाँ पे कह रहा है त्रुटियों पर महत्व ना देना ये भी आपका एक तरह का नेगेटिव टैग वर्ड है अगर आप एक अध्यापक हैं और पढ़ा रहे हैं तो गलतियों को ध्यान में भी रखना है और उससे रिलेट करके उसे और अच्छे से एक्सप्लोर करके चीज़ों को बताना है कि बच्चा खुद से कर सके ठीक है यहाँ आ गए अब इससे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड कैसे पूछे जाते हैं उनकी अगर हम चर्चा कर देखिए कभी भी ये वर्ड आ जाए बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर आप केवल सी टी पास करना या सी पास करने को ही नहीं आप अगर भविष्य में अध्यापक एक बनेंगे तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि बच्चे को माई बाप बना के रखना है इस चीज़ का ध्यान रखना है ठीक है ना कि कोई भी क्वेश्चन आ जाता है जहां पे बच्चे से रिलेटेड आ जाए तो बच्चे को प्राथमिकता सबसे फर्स्ट और अध्यापक यानी खुद को लास्ट में प्राथमिकता आपको देनी होती है ठीक है ना तो आज की एजुकेशन कैसी है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है ठीक है अगर कहीं पे भी आ जाता है व्यवहारिक कुशलता की बात कर ले ठीक है ना मतलब इन्वायरमेंट से व्यवहार में सीखने की बात कर ले ग्रुप डिस्कशन की बात कर ले और क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसरिंग की बात कर ले या इन्वायरमेंट में बाहर मतलब क्लासरूम से बाहर जा कर के सीखने की बात कर ले ये सारे टैग वर्ड क्या होते हैं पॉजिटिव में लिए जाते हैं ठीक है ना यहाँ पे देखिए वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ने की अगर बात कर ले ठीक है ना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब जो यानी ट्वेंटी ट्वेंटी हो या एनसीएफ टू थाउजेंड फाइव हो सबका फोकस किस चीज पे है कि बच्चे को उसकी शिक्षा जो हो उसके दैनिक जीवन से रिलेट करके होना चाहिए ठीक है ना तो ये बिल्कुल पॉजिटिव की तरफ आपको ले जाता है ठीक है ना डेली लाइफ वाला अच्छा एक पॉजिटिव टैगवर्ड और क्या बार बार पूछा जाता है कि लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण लोकतांत्रिक मतलब जैसा अगर आपसे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में अगर बात करें तो जनता द्वारा जनता के लिए जो शासन होता है उसे लोकतंत्र कहा जाता है तो मतलब बच्चे का कु, कुल मिला कर के बच्चे के परिपेक्ष में चीजें होनी चाहिए ठीक है ना इन्वायरमेंट के परिपेक्ष में होनी चाहिए चीज़े, चीज़ें यह भी एक तरह का आपका क्या होता है पॉजिटिव टैग वर्ड होता है कहीं पे भी लोकतांत्रिक लिखा आ जाए प्रजातांत्रिक आ जाए मतलब वातावरणीय आ जाए तो ये आपको कैसे लेना है पॉजिटिव टैग वर्ड के फॉर्म में आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ टैगवर्ड देखते फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है ना ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से मजबूत हो जाए चलो तो ये त्रुटियों पे माती ये सारी चीज़ें समझ गए आप लोग यहां तक समझ गए होंगे देखिए कुल मिलाकर के पूरे सीडीपी में 70 परसेंट तक आपको क्वेश्चन इन्हीं टैग वर्ड से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे ठीक है ना एक बार मैं आपको और रिवाइज करवा देता हूं फटाफट से अगली स्लाइड पे ला करके ताकि आपको अच्छे से चीज़ें याद हो जाए ठीक है ना तो देखिए यहाँ पे आप चाहे तो इसका स्क्रीन ले लीजिए मैं थोड़ा सा फोटो नीचे कर देता हूँ लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं आपके काम आएगा ठीक है यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टैगवर्ड देख लीजिए ये रहा आपका नेगेटिव टैगवर्ड एक बार फिर रिवाइज करो कहीं पे भी कहे सर, सर्वांगीण विकास बिल्कुल पॉजिटिव है करके सीखने की बात सबसे ज्यादा पॉजिटिव है हस्तपरक अनुभव की बात बिल्कुल पॉजिटिव है ठीक है ना सम्मान या लगाव की बात बिल्कुल पॉजिटिव है प्रोत्साहन की भावना प, बिल्कुल पॉजिटिव है ठीक है ना जिज्ञासा हो गया बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर हो गया व्यवहारिक कुशलता हो गया आपका वास्तविक जीवन से जोड़ना हो गया ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि पॉजिटिव टैगवर्ड की तरह काम करते हैं यहाँ पे फिर से देख लिए लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण से समावेशी शिक्षा हो गया दृष्ट सर, दृष्ट श्रव्य सामग्री हो गया आपका संसाधन हो गया विभिन्न क्या विभी, है विध, विधियाँ गतिविधियाँ अलग अलग तरीके से करके सीखना हो गया ये सारे कैसे हैं पॉजिटिव टैगवर्ड है इतना तो आपको याद ही रखना है इसीलिए लास्ट में ला करके सब कुछ मैंने समराइज़ कर दिया है ठीक है आपके नेगेटिव वर्ड कौन से आ जाते हैं बच्चे को दंड देने की बात कर दी जाए बिल्कुल गलत बात है केवल आ जाए बिल्कुल गलत बात है मात्र आ जाए गलत बात है सिर्फ कंठस्थ करना मतलब रटने की रोट लर्निंग आ जाए बिल्कुल गलत है याद करना सजा देने जैसे शब्द देखने को मिल जाए समस्या आ जाए बोध हो जाए और पुस्तक केंद्रित हो जाए मतलब जो कट कर रहा हूँ एक तरह से ये बता रहा हूँ कि ये नेगेटिव टैग वर्ड है ठीक है ना हतोत्साहन की बात हो जाए शिक्षक केंद्रित तो बिल्कुल गलत है खाली स्लेट गलत है लैंगिक असमानता गलत है त्रुटियों को महत्व ना देना गलत है सीमित क्षेत्र गलत है व्याख्या ब्या और भेदभाव ये बिल्कुल क्या है गलत हो जाते हैं ठीक है ना तो सीटेट में जो पेडागोजिकल पार्ट होता है ना वो आप बेसिक समझ से उसके आंसर आराम से कर सकते हैं अगर इन सारी चीज़ों इसे बोलते हैं अगर आपको ये चीज़ें याद है ना इसी को बोलते हैं स्मार्ट लर्निंग कि आप केवल ऑप्शन एलिमिनेट करके बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं ठीक है ना ज्यादा लंबी वीडियो तो नहीं हो रही है चलो आ जाओ आप एक दो क्वेश्चन पे अप्लाई कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से चीजें समझ आ जाए देखो जैसे ये सारे सब्जेक्ट में टैगवर्ड इस्तेमाल होंगे ये बात ध्यान रखना जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने कह रहा है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक पाठ्य पुस्तक क्या कह रहा है कह रहा है एकमात्र संसाधन है एकमात्र जैसा आ गया इसी को ओनली भी बोलते हैं ठीक है ना तो ये आपको देखते ही काट देना ये कभी क्योंकि देखिए क्वेश्चन कैसा है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है पॉजिटिव तौर पे आपसे आंसर पूछ रहा है ठीक है ना तो ये तो तुरंत कट गया साध्य है नहीं ये भी कट गया अनावश्यक अनावश्यक तो मतलब एक तरह से ये भी नेगेटिव ही है अनावश्यक कोई भी पुस्तक तो हो ही नहीं सकती तुरंत कट गया आपका एक ही बच गया साधन ठीक है ना तो आप इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर पकड़ के कट कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं एक आधी और क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे इसको यहां पे देखिए कह रहा है अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है अब देखिए इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि यहां पे हमसे आंसर पूछना चाह रहा है पॉजिटिव फॉर्म में ठीक है ना तो नेगेटिव चीजें हम निकालेंगे देखिए ग्रेड एवं अंकों के लिए मैंने बोला ना ग्रेड आते ही आप क्या करोगे काट दोगे ठीक है ना जांच और परीक्षण कहीं पे भी जांच या केवल एग्जामिन करना ये भी गलत होता है नेगेटिव टैगवर्ड होता है ठीक है ना देखिए पृथक करना बच्चों को बच्चों की बात कर दिया किसी भी चीज़ को अलगाव बिलगाव करना श्रेणी में बैठाना कि कौन ज़्यादा अंक पाया है कौन कम अंक पाया है इस तरह से करना ये सारी चीज़ें नेगेटिव तौर पे आती हैं ये भी कट गया प्रेरणा के लिए प्रेरणा के लिए ये पॉजिटिव है ठीक है ना सपोर्ट करना प्रोत्साहन करना ये सारी चीजें कैसी होती हैं पॉजिटिव होती हैं ठीक है, है ना तो एक सेकेंड एक सेकेंड आ, बस अभी ये लास्ट क्वेश्चन अपना चल रहा है इसको डिस्कस कर लेते हैं देखिए इसमें कह रहा है शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए ठीक है ना इसमें देखिए सीखने के लिए विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए ये कुछ हद तक पॉजिटिव है लेकिन इससे भी अगर पॉजिटिव मिल जाएगा हमें आंसर तो हम इसको कट कर देंगे ठीक है देखिए कठोर अनुशासन जैसे ही कठोर अनुशासन आया ये बिल्कुल नेगेटिव टैगवर्ड है इसको काट दीजिए ठीक है ना परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए केवल एग्जाम लेना यह भी कोई उद्देश्य नहीं होता अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए बिल्कुल देखिए ये आ, अच्छा एक समान नहीं आप एक समान नहीं रख सकते हैं अलग अलग क्योंकि हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है सीखने की ठीक है ना तो ये भी एक तरह से आपका नेगेटिव हो गया यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में कह रहा है सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना ये बिल्कुल सही है ठीक है ना क्योंकि क्वेश्चन ही आपको पॉजिटिव फॉर्म में पूछा हुआ था ठीक है तो इस तरीके से आपको अपने पॉजिटिव और नेगेटिव टैगवर्ड का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सीखना है ठीक है तो एक ये क्वेश्चन है ये होमवर्क में रहेगा आप लोगों का ठीक है इसे आप खुद से करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव ढूंढ करके इसका आंसर मैं बता देता हूँ डी ऑप्शन करेक्ट है ठीक है बाकी आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लासेज में और कोई भी अगर आप लोगों को क्वेरी होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं ठीक है चलिए ठीक है बाय बाय टेक केयर थैंक यू सो मच जय हिंद